नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम आर्मी की सीरीज चला रहे हैं उसमें अभ्यास प्रश्न पत्र 14 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आओ करते हैं मिलकर के सागर क्लासेस आरटीके अभ्यास प्रश्न पत्र 14। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे इसमें। पहला प्रश्न है, सिखाई कालसनिकोवा सिखाई कालसनिकोवा खोजकर्ता है। ये पूछा है कि वे किसके खोज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये गन के खोज करता है और गन का नाम है AK-47। AK-47 जो हो गन का नाम है AK-47, उसके खोज करता है सिखाई कालसनिकोवा। दूसरा, BBC का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, BBC का मतलब यानी कि फुल फॉर्म पूछी है इसकी। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, क्या मतलब है इसका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका अर्थ है BBC का। और इसकी स्थापना देखें तो 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में हुई थी भाई, 18 अक्टूबर 1922 को लंदन, 18 अक्टूबर 1922 को BBC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। तो काफ़ी अंगल मैसूर युद्ध हुए हैं स्टूडेंट्स। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान पुत्र। अब देखिए क्या कहता है इसमें स्टूडेंट्स, चार अंगल मैसूर युद्ध हुए, उसमें चौथे अंगल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु होती है लॉर्ड वेल्जली के समय में 1799 में। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, एक कथन आता है इसका, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जो है आपका भेड़ की तरह 100 दिन जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीवो, कथन किसका है। तो ये टीपू सुल्तान का कथन है। और मैसूर जो है वो कर्नाटक का पुराना नाम कौन सा है, मैसूर है। एक जो राज्य है स्टूडेंट्स, इनके पुराने नाम आ जाते हैं, जिस तरह से जो है असम का पुराना नाम क्या है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, तो ये जो है इनके पुराने नाम आ जाते हैं। तो इस तरह से मैसूर का जो पुराना नाम है वो ये मैसूर किसका पुराना नाम है, कर्नाटक का पुराना नाम है। वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलोर है, बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर या फिर बागों की नगरी या फिर अंतरिक्ष नगरी, ये बेंगलोर के बारे में इसकी उपमाएं हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट देखें, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया ये प्रश्न है। तो बता दें स्टूडेंट्स, 1958 में एशियाई खेलों को जो है हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। और हॉकी जो है स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और भारत में हॉकी का जो जादूगर है वो मेजर ध्यानचंद है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। और स्टूडेंट्स, इनके जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मनाया
जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, एक बार पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो स्टूडेंट्स किसी अनुच्छेद के तहत ऐसा नहीं है बल्कि लोकप्रियता के कारण ही ऐसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट देखिए भाई स्टूडेंट्स, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसने बनाई, तो एक बार एक मिनट होल्ड रखिए भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म, 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई स्टूडेंट्स दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के स्टूडेंट्स इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी और इस कारण से इनको भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है, भारतीय सिनेमा जगत का इनको पिता कहा जाता है। 1913 में इन्होंने ही पहली फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था स्टूडेंट्स राजा हरीश चंद्र, जो कि एक गूंगी पिक्चर थी। बोलती पिक्चर की यदि मैं चर्चा करूं तो वो 1931 में आलम आरा आई थी, 1931 में आलम आरा। और ये जो थी स्टूडेंट्स राजा हरिश्चंद्र, ये 1913 में बनी थी। बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है ये 1969 से दिया जाता है। सिनेमा भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, विश्व सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ओस्कर है, और भारतीय सिनेमा जगत का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, ये गूंगी पिक्चर थी और बोलती पिक्चर जो थी वो 1931 में आलम आरा आई थी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, देखिए इसको साफ कर लेते हैं एक बार। यदि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखते समय अपना रजिस्टर पेन और कॉपी वगैरह सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से एकांत में बैठ करके अपने नोट्स निकालिए। खुद के हैंडमेड नोट्स होने चाहिए, दूसरे के नोट्स आपको काम नहीं आएंगे, खुद के बनाइए। तो देखें भाई क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है केवला देव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स इसने, यह राजस्थान में है भाई, राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी आ जाए तो कौन सी है, जयपुर। और जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी या गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में भी पहले आ चुके हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर से। हवा महल कहाँ से स्थित है, ये भी आया था, हवा महल कहाँ से स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है पेपर सेट में। चार मीनार जो है स्टूडेंट्स आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में चार मीनार है। पर्सन पूछ लेता है गोल गुंबज कहाँ है, गोल गुंबज, तो गोल गुंबज स्टूडेंट्स आपके बीजापुर कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में। यहाँ से पर्सन पूछ सकता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स आपका बता दें बम्बई में है, बम्बई में है। और इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट थोड़ा सा अंतर है नाम में, इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट स्टूडेंट्स बता दें आपको दिल्ली में है। तो इस तरह से आपका ये पूछ सकता है, पर्यटन स्थल भी पूछ सकता है कि पर्यटन स्थल ऊटी कहाँ है, ऊटी, ऊटी कहाँ है, तो ऊटी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ऊटी जो है वो तमिलनाडु में है। खंडाला कहाँ पे है, खंडाला, खंडाला जो है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में।
लोनावाला कहाँ है? लोनावाला, लोनावाला भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये कौन सी जगह कहाँ है? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। ये पर्सन जो है इस तरह के स्टैटिक जीके का बिल्कुल ये एक आध पर्सन ऐसा आपके पेपर में डाल सकता है। नेक्स्ट देखें, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए भाई, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना जो है स्टूडेंट्स कब हुई थी? ये 1950 में हुई थी। 1950 किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी स्टूडेंट्स योजना आयोग की स्थापना 1950 में। 15 मार्च 1950 को यह स्थापना हुई थी। कई अब योजना आयोग जो है स्टूडेंट्स, योजना आयोग इसका नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना ये 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ये किसने की थी स्टूडेंट्स? ये प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये इन्होंने की थी। कैसा आयोग है ये स्टूडेंट्स? गैर संवैधानिक आयोग है, पूछ सकता है। संविधान में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। गैर संवैधानिक आयोग है योजना आयोग। योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक आयोग है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या किया गया है? नीति आयोग किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टूडेंट, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर जो है वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये इन्हीं के आधार पर स्टूडेंट्स, ये संविधान के पिता भी कहलाते हैं। संविधान के पिता भी किसको बोलते हैं? बी आर अंबेडकर को बोलते हैं। कई बार इनका जन्मदिन पूछ लेता है स्टूडेंट्स, तो 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन हुआ था, 14 अप्रैल को, ये आपको ध्यान में रखना है। और संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ? तो ये स्टूडेंट्स 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चन है। संविधान सभा की जो है समितियां भी थी अलग अलग, कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, अपने आप में एक टॉपिक है। मेन क्वेश्चन जो आपके लेवल के हैं, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कितने दिन में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी स्टूडेंट्स, ये भी पूछ लेता है कई बार, तो 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी स्टूडेंट्स आपकी 11 दिसंबर 1940 को। प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, कब प्रस्तुत हुआ था? 13 दिसंबर 1940 को। पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। स्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थाई अध्यक्ष थे। ध्यान रखना ये स्थाई थे, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये अस्थाई थे, उम्र में बड़े थे स्टूडेंट्स, ये सम्मान के लिए इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चन है इसके बारे में। तो देखिए, वह देश जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, साफ कर लेते हैं इसको। ये स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ईमानदारी से कंटिन्यू सभी प्रश्न पत्रों को देखिए, एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सागर क्लासेस आरटी के चैनल को
और धीरे धीरे आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है वह देश जहाँ भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, वह देश जहाँ जहाँ भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो कौन सा देश है स्टूडेंट्स? वह आंसर आ जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है स्टूडेंट्स, इसमें से दोनों रेखाएं गुजरती हैं और ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। राजधानी कौन सी है? ब्राज़ीलिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह देश है ब्राज़ीलिया, इसकी राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इनको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। ये स्टूडेंट्स प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था आपका 1930 में। दूसरा पूछ ले, दूसरा कब हुआ? दूसरा स्टूडेंट्स ये हुआ था 1931 में। तीसरा पूछ ले, तीसरा कब हुआ? ये हुआ था 1932 में। तो 30, 31, 32 ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ हुए थे? सारे के सारे इंग्लैंड में हुए थे। कई बार ये पूछ लेता है कि गांधी ने किस में भाग लिया, तो गांधी ने स्टूडेंट्स बता दें आपको दूसरे में भाग लिया था, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता करके वहाँ ले जाया गया था, लेकिन जो बात नहीं बनी ये बीच में ही आ गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे ये पूछ लेता है? तो भीमराव अंबेडकर जो है स्टूडेंट्स, तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। सारे के सारे इंग्लैंड में, लंदन में हुए थे, ये ध्यान रखना है। सारे के सारे इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए थे, चाहे पहला दूसरा तीसरा, 30, 31, 32 बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखें, चीन की राजधानी क्या है? आ सकता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, चीन अब चर्चा में है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी, तो चीन की जो राजधानी है स्टूडेंट्स वो है आपकी बीजिंग। और यदि मुद्रा पूछ ले चीन की, तो मुद्रा है आपकी युआन जो है इसकी मुद्रा है। इसको रेनबिन भी कहते हैं, पड़ोसी देश है चीन। इसको चीन को स्टूडेंट्स एशिया का अजगर भी कहते हैं, ये अब चर्चा में है कोरोना वायरस के कारण। एशिया का अजगर भी कहते हैं चीन को, कोरोना वायरस यहीं से चला है। तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बन सकता है स्टूडेंट्स, कैसे फैलता है, किस कारण से फैलता है। तो इसके बारे में भी आपको एक टॉपिक 10-15 मिनट इसका भी हम टॉपिक अपलोड करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। और रेनबिन भी कह सकते हैं, और रेनबिन उसका एक हिस्सा है। तो एशिया का अजगर किसको बोलते हैं? चीन को बोलते हैं, क्योंकि इसका दूसरे देशों के साथ में सीमा विवाद ज़्यादा है, इस कारण से इसको एशिया का अजगर बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, सभी देशों के साथ, पड़ोसी देश हैं, 13 देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो किसी हर एक के साथ में इसका सीमा विवाद है। तो नेक्स्ट देखें, नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुल्ला दर्रा ये सिक्किम में है भाई। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। दर्रे हमने लिखवाए थे प्रैक्टिस सेट में, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और ये बता दें, 100% जैविक खेती करने वाला राज्य भी कौन सा है? 100% जैविक खेती भी कहाँ होती है? सिक्किम में होती है। एक भारत की भारत में स्थित ऊंची चोटी कंचनजंगा भी कहाँ है? कंचनजंगा ये भी सिक्किम में है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसकी राजधानी क्या है स्टूडेंट? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, नेक्स्ट है आपका मेघदूत पुस्तक के रचयिता। कई बार प्रश्न आ चुका है भाई, आसान है, बता दोगे। मेघदूत स्टूडेंट्स कालिदास की रचना है, कालिदास। और कालिदास को क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
मेघदूत इसकी रचना है। अभी ज्ञानम शाकुंतलम भी इसी की है, पूछ ले दूसरी, कई बार पूछता है अभी ज्ञानम शाकुंतलम, अभी ज्ञानम शाकुंतलम भी किसकी है। तो ये भी किसकी है, ये भी कालिदास की है। एक आपका कुमार संभवम, कुमार संभवम, ये रचना भी किसकी है, कालिदास की है। किस भाषा के कवि थे स्टूडेंट्स, ये संस्कृत भाषा के कवि थे। किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के यह समकालीन थे, आपको ध्यान में रखना है। तो देखें भाई नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है भाई, कौन सा निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन में बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपका एफ, मतलब लोहा। लोहा जो है एक तत्व है, यौगिक नहीं है। वायु प्रदूषण किससे होता है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो इसमें ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपका CO2 है, SO2 है, और इसमें काफ़ी गैसें हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन जो है ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो स्टूडेंट्स ये अरस्तु हैं, अरस्तु, अरिस्टोटल बोलते हैं इनको, अरस्तु, या पेपर में आपको अरिस्टोटल भी मिल सकता है। इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये जो है स्टूडेंट्स आपकी बायो, इसके दो पार्ट हैं, एक तो जूलॉजी है और एक आपका बोटनी है। अब बोटनी के थियोफ्रेस्टस हैं फादर, और जूलॉजी के इसके क्या हैं, इसके अरस्तु हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और बायो के भी कौन हैं, अरस्तु हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बोटनी के अलग हैं, इसकी दो शाखाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। इनकी पुस्तक भी है, जो अरस्तु है इसकी पुस्तक है स्टूडेंट्स हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स, और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम, तो दोनों पुस्तक भी कई बार पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, देखें भाई गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, तो स्टूडेंट्स गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रोन है, नेफ्रोन। गुर्दे के बारे में बता दें, इसका रंग आ जाता है कई बार, तो इसका लाल रंग है। इसके बारे में स्टूडेंट्स इसकी लंबाई आ जाती है, गुर्दे की जो लंबाई जो है वो इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो मोटाई आ जाती है गुर्दे की मोटाई, और इसकी चौड़ाई आ जाती है, यदि चौड़ाई पूछ ले तो स्टूडेंट्स 5 से 7 सेंटीमीटर है, और मोटाई पूछ ले तो 2 से 3 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका वजन आ जाए तो 140 ग्राम है, और इसकी सूक्ष्म इकाई जो है वो नेफ्रोन है। गुर्दे में पथरी का कारण पूछ लेता है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण से गुर्दे में पथरी होती है। और गुर्दा जो है स्टूडेंट्स आपको बता दें कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं 24 घंटे में, तो 1.5 से 2 लीटर। और मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है, 95%। काफ़ी क्वेश्चन है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का टॉपिक है। कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रोन है, और एक गुर्दे में 1.25 मिलियन नेफ्रोन होते हैं। यही स्टूडेंट्स आपको बता दें मूत्र को फिल्टर करते हैं, ब्लड इन में गुर्दे में से गुजरता है, तो यही जो है वो रक्त को फिल्टर करते हैं और मूत्र को अलग करते हैं, और टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। टॉक्सिन को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, जल है, उसको बाहर ये निकालते हैं। यूरिया की मात्रा पूछ ले मूत्र में तो 2.7% है। तो काफ़ी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट करता हूँ चीज़ों को। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, रंग इसका लाल होता है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, वजन इसका 140 ग्राम होता है। और जो है इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये साफ कर देते हैं इसको। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र मंडली में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ जितना हो सके। आपको ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री क्लासें दी जा रही हैं, तो अपने लेवल पर स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखें अंगूर में पाया जाने वाला शुगर है, क्वेश्चन है अंगूर जो है स्टूडेंट्स, अंगूर में
पाया जाने वाला सुगर, पाया जाने वाला सुगर, अंगूर में पाया जाने वाला सुगर है कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कई एक बार ये पूछा गया था कि ग्लूकोज में जो है स्टूडेंट्स इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। उसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 हैं। तो इस तरह से 1:2:1 इसमें अणुओं का अनुपात है। ये है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए रतौंधी, रतौंधी स्टूडेंट्स ए की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की कमी से होता है, सकरवी सी की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है, और भाई आपका रिकेट्स डी की कमी से होता है, और आपका बांझपन, बांझपन जो है वो ई की कमी से होता है, और रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न जमना जो है वो के की कमी से होता है। इनमें बी और सी स्टूडेंट्स ये दो विटामिन जो हैं ये जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई और के ये जो है वसा में घुलनशील हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये विटामिन जो है विटामिन की खोज आ जाए तो ये स्टूडेंट्स फंक ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या बताओ। प्रश्न है लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि की जोड़ी की संख्या, यानी कि संख्या, तो स्टूडेंट्स इसमें लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, आपको ध्यान में रखना है। और 1 से 1.5 लीटर लार 24 घंटे में स्रावित होती है, और इसमें 99% मुंह जो पानी होता है, और 1% में आपका जो है वो मायोसिन होता है, मायोसिन, इसके कारण से लार चिपचिपी होती है, चिपचिपापन होता है। और इसी में स्टूडेंट्स आपको बता दें टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन, और एमाइलेज भी इसी में होता है, एमाइलेज होता है 1% में ही ये तीनों चीज़ें होती हैं। 99% लार में पानी होता है, 1 से 1.5 लीटर लार का 24 घंटे में उत्सर्जन होता है, 3 जोड़ी लार होती हैं, ये आपको ध्यान, 3 जोड़ी लार की ग्रंथियाँ होती हैं, तो इसको सलाइवा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हवा है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हवा है ऑप्शन में था, हवा जो है, हवा है क्या है हवा? हवा जो है स्टूडेंट्स भार मुक्त होती है, या भार युक्त होती है, या इनमें से कोई नहीं होती, तो भार युक्त। हवा में क्या होता है? भार होता है, हवा मतलब वायु। इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.93% आर्गन होता है, ये आपका ध्यान में रखना है, 0.03% इसमें CO2 होता है। ये हवा एक क्या है? मिश्रण है, और इसमें भार होता है। कौन सी गैस किस मात्रा में होती है ये पूछ सकता है, तो देखें भी क्या कहता है। टीवी अमीबा है, अमीबा क्या है स्टूडेंट्स? अमीबा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक कोशिका है अमीबा। युगलिना आ जाए वो भी ऐसे ही है, पैरामाइसियम आ जाए वो भी ऐसा ही है, एक कोशिकीय ये जीव है, युगलिना, अमीबा, पैरामाइसियम, ठीक है। प्रोटोजोआ वर्ग में सारे के सारे एक कोशिकीय हैं, प्रोटोजोआ वर्ग में भी एक कोशिकीय हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? टीवी रिमोट में तरंगे होते हैं स्टूडेंट्स अवरक्त किरणें होती हैं, और इनके कारण वस्तु गर्म होती हैं। इन्फ्रारेड बोलते हैं इनको, इन्फ्रारेड आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कौन से कणों में ऊर्जा कम होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको साफ कर लेते हैं भी, देखिए एक बार, कौन से कणों में ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम किस प्रकार के कणों में होती है? तो स्टूडेंट्स ये पैराबैंगनी किरणें दर्शाई हैं इसने, अल्फा बीटा गामा, तो आंसर आ जाएगा अल्फा, बीटा और गामा की तुलना में अल्फा में ऊर्जा कम होती है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक, सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, के समस्थानिक
तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं कितने होते हैं पूछा है, तीन होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है, विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, तो विद्युत धारा स्टूडेंट्स प्रभावित किससे होती है, आंसर आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से जो है वो विद्युत धारा प्रभावित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों मुक्त जो है ये इसकी संख्या जो है अधिक होती है, इसमें उतना ही ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है, तो जोड़ों के दर्द से, यहाँ लिख देते हैं अर्थराइटिस किससे संबंधित है, जो ज्वाइंट पेन है जोड़ों के दर्द से। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 14, तो इसको आप देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, नोट्स निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा सागर क्लासेस आरटी के चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हिंद।